मेरे बच्चों नमस्कार। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और इस टॉपिक का नाम है स्टूडेंट्स लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिकों में से एक है स्टूडेंट, जो डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग स्टडी करते हैं। और इस टॉपिक में बेसिकली हम लोगों को जो हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हैं उन्हें सॉल्व करने के डिफरेंट डिफरेंट मैथड्स सीखने हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना। और ये जो टॉपिक है, आने वाले जो दूसरे डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं जैसे कि कॉशीज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन तक में इस कंसेप्ट का काफ़ी कुछ यूज होता है स्टूडेंट्स। तो इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट्स, इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है, सीखना भी है स्टूडेंट्स। और क्या होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, क्या क्या उसकी पहचान होती है स्टूडेंट्स, क्या उसमें सिंबल यूज होते हैं, कैसे उसे सॉल्व किया जाता है, सॉल्यूशन करते समय क्या क्या चीज़ें निकालनी पड़ती हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, ठीक, इन सब चीज़ों के बारे में आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आइए जरा पहले मैं आपको इस चीज़ का इंट्रोडक्शन दे दूँ कि क्या होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब होता है ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें सारे डेरिवेटिव्स की जो डिग्री है वो वन रहे और जो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी डिग्री भी वन रहे, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। और यदि सारे डेरिवेटिव्स और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उस डिपेंडेंट वेरिएबल के जो कोएफिशिएंट्स हैं अगर वो कांस्टेंट रहें तो उन्हें कहा जाता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। और जो स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग यूज करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट का, वो कुछ इस तरह से होता है स्टूडेंट्स। द nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज रिटन एज, इसे इस तरह से लिखा जाता है स्टूडेंट्स। इट्स ए नॉट डी एन वाई डी एक्स एन प्लस ए वन डी एन माइनस वन वाई बाय डी एक्स एन माइनस वन प्लस ए टू डी एन माइनस टू वाई बाय डी एक्स एन माइनस टू एंड प्लस सो ऑन। एंड लास्ट में होता है स्टूडेंट्स, इट्स अ ए एन माइनस वन डी वाई बाय डी एक्स एंड प्लस ए एन वाई इज इक्वल्स टू क्यू स्टूडेंट्स। दिस इज इक्वेशन नंबर वन स्टूडेंट्स, ठीक। और कभी कभी इस डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टूडेंट्स इस तरह से भी लिखा जाता है, किस तरह से, और वी कैन राइट दिस ए नॉट डी एन by dxn, okay, plus a1 dn minus 1 by dxn minus 1 plus a2 dn minus 2 dxn minus 2, okay, and plus an minus 1 dy by dx plus an bracket y is equals to q, right, where a naught, a1, a2, an are constants and q is equals to a function of x, or q jo hai students wo function of x hai। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसे कहा जाता है स्टूडेंट्स लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। और ये दोनों ही उसको लिखने के तरीके हैं, राइट। इसमें y साथ में चल रहा है और इसमें हमने y को अलग अलग कर दिया है, करेक्ट। और कभी कभी इस तरह की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें एक खास सिंबल का यूज करके उसे शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा जाता है स्टूडेंट्स, जैसे यूज d इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स, d square is equals to d2 by dx square, d cube or
dn इज इक्वल्स टू dn dx एंड then to become जो इक्वेशन नंबर टू है बच्चों वो कैसे बन जाएगा, इट बिकम a नॉट dn प्लस a वन dn माइनस वन प्लस a टू dn माइनस टू एंड प्लस सो ऑन a वन नॉट a वन a n माइनस वन d प्लस a n ब्रैकेट y is equals to q स्टूडेंट्स राइट। और शॉर्ट में स्टूडेंट्स और शॉर्ट में ये जो पूरा का पूरा डिफरेंशियल ऑपरेटर है जिसमें कि d है dn माइनस वन है केवल डेरिवेटिव्स हैं y को क्योंकि हमने अलग कर दिया, इस पूरे की पूरे डिफरेंशियल ऑपरेटर को स्टूडेंट्स कभी कभी ऐसे भी लिख दिया जाता है, इट इज f d यानी फंक्शन ऑफ d y इज इक्वल्स टू q, यस दिस इज पॉइंट्स। और अक्सर आप लोगों को ये सिंबल ज्यादा मिलेगा इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को सिंबलाइज करने के लिए, where f d is equals to this one, जहाँ पर इस differential equation का ये derivative operator है, जिसकी degree n है, okay? और फिर question to question इसकी degree बदल जाती है, जैसा question होगा वैसे इसकी degree हो जाएगी student, ठीक है? तो student short में जो linear differential equation with constant coefficient है, उसे इस तरह से लिखा जाता है, जहाँ पर d का मतलब होता है students, where d is equals to d by dx, और one upon d का मतलब होता है students इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस, ठीक है? नाउ तो ये तो हो गया बच्चों ब्रीफ में इंट्रोडक्शन के हमारे पास में जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किस तरह की होगी, उसमें कांस्टेंट कोफिशिएंट का मतलब क्या है। अच्छा एक चीज और यहाँ पर स्टूडेंट्स रिमार्क में जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, रिमार्क ये है स्टूडेंट्स कि इफ क्यू इज इक्वल्स टू जीरो, इफ क्यू इज इक्वल्स टू जीरो स्टूडेंट्स then the differential equation is called, if q is equals to 0 then 4 called homogeneous linear differential equation, and if q not equals to 0 then 4 called non-homogeneous linear differential equation, ठीक? तो ये छोटी-छोटी definitions या remark जो उससे related हैं students, ठीक है ना? And now students, this is the nth order linear differential equation with constant coefficient. और अगर आपको इसके example लेना हो, तो आप ऐसे भी ले सकते हैं. Suppose that student, this is d square plus 2d plus 3 y is equals to sin x is a, this is the differential equation, this is the second order linear differential equation with constant coefficient, क्योंकि हर derivative का जो coefficient है वो constant है। और example लेना हो students, so it's a d cube, या फिर आप इसको इस तरह से भी ले सकते हैं, it's a a3y by dx cube plus 4 d2y by dx square plus 3 dy by dx plus y is equals to e to the power 2x squared. ये भी एक example है students, linear differential equation with constant coefficient। अब आइए जरा students हम लोग बात करते हैं कि ये जो linear differential equation है इसका जो solution है वो कैसे बनेगा और हम कैसे उसे find करेंगे students, वो किन किन चीजों से मिलकर बनेगा, राइट? आइए जरा इसके ऊपर बात करते हैं।
Now students, general solution or complete solution of the linear differential equation with constant coefficient. Okay, the general solution, the general solution of nth order linear differential equation f dy is equals to q. Nth order linear differential equation f dy is equals to q consists two parts. Cf, that is complementary function. Complementary function. And PR, यानी कि पर्टिकुलर इंटीग्रल दैट इज सो सॉल्यूशन ऑफ वन y इज इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, CF प्लस PR, यानी कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वन, उसका जो सॉल्यूशन है वो दो पार्ट से मिलकर बनेगा, CF और PI से एक्सप्रेस, राइट? तो CF यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड PI यानी कि पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब आइए जरा स्टूडेंट्स हम लोग वर्किंग रूल देखते हैं कि CF कैसे निकालते हैं और PI कैसे निकालते हैं। आइए जरा देखें। नाउ वर्किंग रूल फॉर CF स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स वर्किंग रूल फॉर CF के लिए स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन। मान लीजिए हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है कुछ इस तरह से, a नॉट dn प्लस a1 dn माइनस 1 प्लस a2 dn माइनस 2 एंड प्लस y प्लस an y इज इक्वल्स टू an y इज इक्वल्स टू q। सपोज दैट दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। कितने ऑर्डर की है? इट्स अ nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर CF। फर्स्ट वी फाइंड ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर वन, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन वन के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करेंगे। फॉर दिस put q is equals to 0, y is equals to 1, and d is equals to m into equation 1. Okay, so we get nth degree, nth degree equation। तो जब इसमें हम लोग बच्चों q is equals to 0, y is equals to 1 और d is equals to m रखेंगे तो हमें nth degree equation मिलेगी m के terms में, okay? In terms of m, okay? और क्या मिलेगा students हमें? हमें मिलेगा a naught m raised to the power m plus a1 m raised to the power n minus 1 a2 m raised to the power n minus 2 यहां मिलेगा स्टूडेंट्स a n minus 1 m plus a n is equals to c। ये हमें मिलेगा स्टूडेंट्स। और ये इक्वेशन जो है स्टूडेंट्स,
इसे कहते हैं बच्चों ऑक्सिलरी इक्वेशन। ओके, शॉर्ट में इसको कभी कभी एई भी लिखा जाता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब स्टूडेंट्स जो सीएफ है, डिफरेंशियल इक्वेशन वन के लिए जो सीएफ है वो इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो आइए जरा पहले हम लोग इसके रूट्स निकालते हैं। लेट m इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स m1, m2, m3 and m3 and mn are n roots of auxiliary equation 2। मतलब ये m roots आ गए किसके, auxiliary equation के। The value of CF depends on the nature of m of these roots। Okay, we have following cases, we have following cases। ठीक, हमारे पास में कुछ केसेस होंगे स्टूडेंट जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, यानी कि ये जो रूट्स आए हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन के, इन रूट्स का जो नेचर है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारे पास सीएफ क्या होगा या क्या निकलेगा। तो आइए जरा बारी बारी से इसकी वैल्यूज के लिए हम लोग सीएफ निकालते हैं। एंड ध्यान दीजिएगा, एक्चुअल में हम ये रूल पढ़ रहे हैं कि सीएफ कैसे बनाएंगे, यानी कि निकालेंगे कैसे। उसके लिए सबसे पहले हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना पड़ेगा, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी उसके लिए हमें ये तरीका अपनाना है। राइट हैंड साइड 0, y इज इक्वल्स टू 1 एंड dx इक्वल्स टू m रखना। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी, उसको सॉल्व करके उसके रूट्स निकालना है और जो भी फिर रूट्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग सीएफ बनाएंगे। अब सीएफ कैसे बनाएंगे आइए जरा देखते हैं। स्टूडेंट्स इसमें पहला केस है, केस नंबर वन, व्हेन व्हेन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट देन, यानी कि सारे जो रूट्स हैं एम की जो वैल्यूज हैं वो रियल हों और सब अलग अलग हों, कोई भी मैच ना कर रही हो एक दूसरे से, तो जो सी एफ होगा वो होगा स्टूडेंट्स देन सी एफ इज इक्वल्स टू सी वन ई टू दी पावर एम वन एक्स, सी टू ई टू दी पावर एम टू एक्स प्लस सी थ्री ई टू दी पावर एम थ्री एक्स एंड सो ऑन सी एन ई टू दी पावर एम एन एक्स, यानी इस तरह से सी एफ निकाला जाएगा स्टूडेंट।
बशर्ते कि सारे जो रूट्स हों वो अलग अलग हों, बिल्कुल मैच ना करे कोई भी। केस नंबर टू क्या है स्टूडेंट्स, व्हाट इज केस नंबर टू? केस नंबर टू है स्टूडेंट्स व्हेन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ओके, यानी कि रूट्स जो हैं रियल हो लेकिन इक्वल हो, यानी कि कुछ उसमें से इक्वल हो सकते हैं, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि दो रूट्स इक्वल हैं स्टूडेंट्स, इफ यानी कि टू आर इक्वल, है ना। मान लीजिए दो इक्वल हैं, सपोज दैट कि m1 इज इक्वल्स टू m2 है, बाकी सब अलग अलग है, तो जो cf है स्टूडेंट्स वो cf क्या हो जाएगा, इट्स अ c1 c1 प्लस c2x e टू द पावर m1x, क्योंकि m1 और m2 इक्वल हैं इसलिए आप m1 लिखे चाहे m2 लिखे बात एक ही है, c3 e टू द पावर m3x, c4 e टू द पावर m4x एंड सो ऑन, आगे तक चला जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना। मतलब दो रूट जब इक्वल होते हैं तो उनके लिए इस तरह से cf लिखा जाता है स्टूडेंट्स। और मान लीजिए स्टूडेंट्स कि अगर तीन रूट इक्वल हुए, यानी कि अगर थ्री इक्वल्स इक्वल्स यानी कि m1 इज इक्वल्स टू m2 इज इक्वल्स टू m3, तो cf बन जाएगा बच्चों, cf इज इक्वल्स टू c1 c2x एंड c3x स्क्वायर एंड e टू द पावर m1x प्लस c4 e टू द पावर m4x एंड सो ऑन, ये हो जाएगा स्टूडेंट cf। ये दो केसेस इंपॉर्टेंट है, इन्हें अपने दिमाग में रखिएगा स्टूडेंट्स, कि जब रूट्स इक्वल ना हो और रियल हो, और जब इक्वल हो और रियल हो तो क्या होता है सीएफ। नाउ अब केस नंबर थ्री है स्टूडेंट्स, केस नंबर थ्री है स्टूडेंट्स व्हेन व्हेन रूट्स आर व्हेन रूट्स आर imaginary, imaginary when roots are imaginary in pair, that is suppose that students k m is equals to alpha plus minus I beta मिला इस तरह से students, ठीक है, क्योंकि imaginary roots हमेशा pair में होते हैं students। तो मान लीजिए कि m is equals to alpha plus minus i beta आया, अभी हम बात कर रहे हैं कि केवल दो ही रूट है, मतलब an auxiliary equation जो है वो second degree की है, तो और मान लीजिए कि वो जो roots आए हैं वो alpha plus minus i beta आए हैं, तो उस केस में स्टूडेंट जो cf होगा, ठीक, वो cf क्या हो जाएगा, द cf इज e टू द पावर alpha x c1 cos beta x plus c2 sin बीटा एक्स, राइट, दिस इज द सीएफ। और जितने फिर रूट्स आगे होंगे, अगर वो रियल हुए तो आगे जुड़ते जाएगा, फिर सी थ्री टू द पावर एम थ्री एक्स प्लस सी फोर एम फोर लाइक दैट। एंड नाउ स्टूडेंट्स ये भी सीएफ है, और कभी कभी कई जो ऑथर्स हैं वो उसको इस तरह से भी लिख देते हैं, तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए मैं आप लोगों को यहां पर बता रहा हूं स्टूडेंट, कई ऑथर इसको इस तरह से भी लिखते हैं स्टूडेंट्स, सी वन ई टू द पावर alpha x into sine beta x plus c2, इस तरह से भी लिखते हैं। और एक और तरीका है, cf is equals to c1 e to the power alpha x cos beta x plus c2, यानी इस तरह से भी लिखा जाता है, यानी कि तीन तरीके हैं कॉम्प्लेक्स रूट के लिए सीएफ लिखने के, जिसमें से सबसे ज्यादा यूज होता है इसका स्टूडेंट्स, ठीक है, तो इसको अपने दिमाग में रखिएगा। लेकिन हो सकता है कि कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और बुक में जब आप आंसर देखें तो वो इस फॉर्म में दिया हुआ हो, तो परेशान या कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, फिर सीएफ इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स ये तीन मेन केसेस थे जिसमें हम लोग सीएफ की वैल्यू फाइंड करते थे, है ना। और एक और केस होता है स्टूडेंट्स, वो ज्यादा इतना यूजफुल नहीं है, बिकॉज वो
इस पहले वाले केस की तरह ही है स्टूडेंट्स। मान लीजिए स्टूडेंट्स कि आपको जो रूट्स हैं, व्हेन रूट्स आर इरोटेशनल, इरेशनल, इरेशनल, ओके, इरेशनल हो, यानी कि मान लीजिए कि m इज इक्वल्स टू आपको अल्फा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बीटा मिल जाए, ठीक है ना, यानी इरेशन, रैशनल, इरेशनल, इरेशनल रूट्स आपको मिल जाए स्टूडेंट, तो उस केस में जो सीएफ है वो सीएफ भी बिल्कुल पहले की तरह ही निकलता है स्टूडेंट्स, और उसमें जो सीएफ की वैल्यू है वो ये होती है स्टूडेंट्स, क्या सीएफ इज इक्वल्स टू सी वन ई टू द पावर अल्फा प्लस अल्फा रूट बीटा एक्स प्लस सी टू ई टू द पावर अल्फा माइनस रूट बीटा एक्स, इस तरह से लिखा जाता है स्टूडेंट्स। और आप चाहें तो इसको और दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, कभी कभी इस तरीके का भी यूज किया जाता है, कैसा स्टूडेंट्स, इट इज और सी एफ इज इक्वल्स टू इट इज सी वन ई टू द पावर अल्फा एक्स कॉस हाइपरबोलिक, कॉस हाइपरबोलिक रूट बीटा एक्स प्लस सी टू, तो इस तरह से भी स्टूडेंट्स लिख दिया जाता है कभी कभी, लेकिन मेनली आप लोग इसका ही इस्तेमाल करिएगा, यही इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स इन केसेस की मदद से हम लोग सी एफ की वैल्यू फाइंड करते हैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। इसमें से पहला केस जो है स्टूडेंट्स वो रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए है, दूसरा जो केस है स्टूडेंट्स वो रियल और रिपीटेड रूट्स के लिए है, ओके, तीसरा जो है वो कॉम्प्लेक्स रूट्स के लिए है स्टूडेंट्स, ठीक है ना, यानी रूट्स आर इमेजिनरी हो उस केस में स्टूडेंट्स हम लोग इस तरह से सीएफ बनाते हैं, और व्हेन द रूट्स आर इरेशनल तो हम लोग उस केस में सीएफ इस तरह से बनाते हैं। तो दिस इज द वर्किंग रूल स्टूडेंट्स टू फाइंड द सीएफ ऑफ ऑक्सिलरी ऑफ सीएफ ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन स्टूडेंट्स। और सीएफ फाइंड करने के लिए पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना है, उसके रूट्स फाइंड करना है, एंड देन जो भी रूट्स होंगे उसके नेचर के अकॉर्डिंग आपको सीएफ बनाना है स्टूडेंट्स। तो ये सीएफ के लिए रूल है स्टूडेंट्स। अब आइए स्टूडेंट्स हम लोग वर्किंग रूल देखते हैं पीआई बनाने के लिए कि कैसे हम लोग पीआई की वैल्यू फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स। आइए देखिए जरा। नाउ स्टूडेंट्स आइए जरा हम जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है उसके लिए हम पीआई कैसे निकालेंगे उस वर्किंग रूल के ऊपर बात करते हैं। हम लोग को यहां पर स्टूडेंट्स पीआई निकालने के लिए कई सारे रूल्स के ऊपर बात करनी है, ठीक। तो मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इन सारे पीआईस को जब स्टडी कर रहे हो, रूल्स को देख रहे हो, तो थोड़ा सा इसको इमेजिन करने की कोशिश भी करिएगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन में ये रहा होगा तो हम ऐसे कर रहे होंगे, वैसे कर रहे होंगे, क्योंकि आप इन पीआईस के रूल्स को क्वेश्चंस के ऊपर तब अप्लाई कर पाएंगे जब आप इनको इनकी कंडीशंस के साथ में समझ पाए, ठीक है ना। और ध्यान दीजिएगा मैं यहाँ पर आपको सारे पीआई के रूल्स इसलिए पहले बता रहा हूँ ताकि जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो हम लोग मिक्स्ड क्वेश्चंस करेंगे, रैंडमली कोई भी क्वेश्चन सिलेक्ट करेंगे, तो ऐसा हो सकता है कि उसमें पीआई का एक से ज्यादा रूल्स लगे, तो आप वहां पर कंफ्यूज ना हो और इन पीआई के रूल्स को यूज करना सीख पाए और ये समझ पाए कि कौन सी कंडीशन में कौन सा पीआई का रूल लगेगा, कैसे लगेगा, ठीक है, और पहचानेंगे कैसे, ये सारी चीज आप वहां पर आसानी से समझ पाए, इसलिए हम पहले ही पीआई के सारे रूल्स के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। अब आइए स्टूडेंट्स जरा हम लोग पीआई के रूल्स के ऊपर बारी बारी से बात करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना। नाउ स्टूडेंट्स जो पहला रूल है पीआई के लिए वो है यस स्टूडेंट्स रूल नंबर वन, मान लीजिए कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन, वो हमारे पास कुछ इस तरह से है, एफ डी, एफ डी वाई इज इक्वल्स टू क्यू, दिस इज वन, ठीक है ना। तो नाउ द पी आर ऑफ वन इज डिफाइंड एज, इज defined as pi
इज इक्वल्स टू वन अपॉन एफ डी क्यू स्टूडेंट्स। ये पीआई का फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, मतलब इस फॉर्मूले की मदद से हम पीआई निकालेंगे। और पीआई इज इक्वल्स टू वन अपॉन एफ डी इंटू क्यू, क्यू मतलब राइट हैंड साइड और एफ डी मतलब डिफरेंशियल ऑपरेटर। इट मीन्स दैट कि हम लोग क्यू निकाल मतलब पीआई निकालने के लिए जो राइट हैंड साइड है क्यू उसका यूज करेंगे और जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है उसका यूज करेंगे स्टूडेंट्स। अब आइए स्टूडेंट्स हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और अब बारी बारी से अलग अलग केसेस में पीआई की वैल्यू फाइंड करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स हम लोग यहां पर आते हैं रूल नंबर वन के ऊपर। रूल नंबर वन यानी व्हेन एफ डी इज इक्वल्स टू मान लीजिए केवल डी हो, ओके यानी एफ डी की वैल्यू केवल डी हो, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन की बनावट ही कुछ इस तरह से हो कि एफ डी की वैल्यू केवल डी हो, देन दिस इंप्लाइज दैट स्टूडेंट्स पी आई इज इक्वल्स टू वन अपॉन डी इंटू क्यू। और जिस तरह से डी का मतलब डी बाय डी एक्स होता है उसी तरह से वन अपॉन डी का मतलब हो जाएगा इंटीग्रेशन क्यू डी एक्स स्टूडेंट्स, ठीक। यानी कि क्यू को केवल एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके हम पी आई की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। दिस इज द रूल नंबर वन, यानी जब भी 1 अपॉन डी होगा तो हमें इंटीग्रेशन करना है, याद रखिएगा ये चीज। नाउ रूल नंबर टू, व्हेन व्हेन एफ डी इज इक्वल्स टू व्हेन एफ डी इज इक्वल्स टू डी माइनस ए, देन दिस इंप्लाइज दैट पी आई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डी माइनस ए इनटू क्यू इज इक्वल्स टू। मतलब कि मान लीजिए कि जो एफ डी है वो एक लीनियर फैक्टर हो डी माइनस ए के फॉर्म में, तो उस केस में स्टूडेंट्स जो पी आई है वो वन अपॉन डी माइनस ए इंटू क्यू होगा, और जो इसकी वैल्यू है स्टूडेंट्स वो वैल्यू होगी ई टू द पावर ए एक्स इंटीग्रेशन ई टू द पावर माइनस ए एक्स इंटू क्यू डी एक्स स्टूडेंट्स। यानी जो भी ये ए होगा वो पहले ई टू द पावर ए एक्स के फॉर्म में आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस ए एक्स इंटू क्यूब डी एक्स, यानी इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे उसमें e टू द पावर ए एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों के पास में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स पी आई की वैल्यू आ जाएगी। नाउ लुक, अगर एफ डी जो है वो इस तरह के लीनियर फैक्टर्स के साथ में हो, यानी मान ये तो हमने केवल एक चीज देखी कि डी माइनस ए हो उसकी वैल्यू, अगर बाई चांस रिमार्क में हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि बाय चांस स्टूडेंट्स एफ डी की जो वैल्यू हो वो ऐसी हो डी माइनस ए डी माइनस बी और डी माइनस सी एंड सो ऑन, एक से ज्यादा फैक्टर्स हो स्टूडेंट्स, तो उस केस में स्टूडेंट्स हम बारी बारी से हर एक फैक्टर के लिए ये वाला रूल अप्लाई करेंगे, यानी एक फैक्टर के लिए इस तरह से इंटीग्रेशन करेंगे जो उसका रिजल्ट आएगा, फिर उस रिजल्ट को दूसरे फैक्टर के लिए इंटीग्रेट करेंगे इसी तरह से, जो उसका रिजल्ट आएगा उसे फिर तीसरे फैक्टर के लिए इस तरह इंटीग्रेट करेंगे। यानी बारी बारी से हर फैक्टर के लिए हम ये रूल नंबर टू अप्लाई करेंगे और पी आई की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि जितने फैक्टर होंगे उतनी बार ये रूल रिपीट होगा स्टूडेंट्स। इस रूल को जनरल रूल भी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि ये हर किसी क्वेश्चन पर अप्लाई किया जा सकता है जिसमें भी एफ डी लीनियर फैक्टर के फॉर्म में हो, इसलिए इसे जनरल रूल भी कहते हैं स्टूडेंट्स, इट्स अ जनरल रूल ऑल्सो, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन हाँ यस दिस इज द जनरल रूल। अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, ओके, और देखते हैं आने वाले रूल्स के ऊपर स्टूडेंट्स। जो नेक्स्ट रूल है स्टूडेंट्स वो कुछ इस तरह से है स्टूडेंट्स, यस रूल नंबर थ्री। रूल नंबर थ्री, व्हेन Q is equals to, अब रूल नंबर थ्री में Q की कुछ स्पेशल वैल्यूज के लिए है स्टूडेंट्स। When Q is equals to students, e to the power ax, where a is constant, where a is constant, then pi is equals to one upon fd into e to the power ax is equals to 1 upon f
a e to the power ax, students. It means that कि यहां पर अगर fd, सॉरी राइट हैंड साइड e टू दी पावर ए एक्स के फॉर्म में हो तो d को हम a से रिप्लेस कर देंगे स्टूडेंट्स, d को हम a से रिप्लेस कर देंगे और pi की वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन इसमें शर्त यही है स्टूडेंट्स, बट जो एफ ए है वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो फिर pi हमें मिल ही नहीं पाएगा स्टूडेंट्स। तो ये रूल तभी अप्लाई होता है जब जो FA है वो जीरो ना हो स्टूडेंट्स। समझिएगा इसको ध्यान से, जब राइट हैंड साइड e टू द पावर ax के फॉर्म में हो तो जो FD होगा उसमें D को A से रिप्लेस कर दिया जाएगा, PI आ जाएगा, बशर्ते FA जीरो नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए स्टूडेंट्स बाय चांस कि ये FA क्या हो, जीरो हो जाए स्टूडेंट्स, सपोज दैट, रिमार्क स्टूडेंट्स इफ एफ ए इज इक्वल टू जीरो स्टूडेंट्स, मान लीजिए स्टूडेंट्स कि एफ ए जो है वो जीरो हो जाए स्टूडेंट्स, तो अगर ये एफ ए जीरो हो जाएगा स्टूडेंट्स तो फिर हम इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, देन दिस इंप्लाइज दैट एफ डी इज इक्वल टू डी माइनस ए रेस्ट टू द पावर एन फाइव डी स्टूडेंट्स, वेयर phi a not equals to zero। मतलब आप लोगों ने जो प्रीवियस क्लासेस हैं, छोटी क्लासेस में एक रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा होगा स्टूडेंट्स। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि अगर किसी पॉलिनोमियल में, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है डी के टर्म्स में, अगर किसी पॉलिनोमियल में हम वेरिएबल की जगह पर कोई वैल्यू रखें कांस्टेंट और वो जीरो हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि उस पॉलिनोमियल में डी माइनस ए एक फैक्टर होगा जिसकी डिग्री n होगी, ये n 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, और एक अलग ही फैक्टर निकल जाएगा phi d जिसमें हम लोग अगर a लिखेंगे तो वो जीरो नहीं होगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना। मतलब कि a रखने पर जीरो आ रहा था तो उस a के कारण कुछ ना कुछ फैक्टर्स बन जाएंगे, उनको अलग कर दीजिए, और जो रिमेनिंग पार्ट है जब उसमें आप d की जगह a लिखेंगे तो फिर जीरो नहीं होगा। तो हम पहले इस fd को इस तरह से तोड़ देंगे and then pi जब निकालेंगे स्टूडेंट्स तो दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन d माइनस a रेस्ट टू द पावर n phi d e टू द पावर ax। अब इस phi d में d की जगह a लिखते हैं तो वो जीरो नहीं होता है, तो मतलब इसे तो ऐसे लिखा जा सकता है 1 अपॉन phi a, यानी pi निकालने के लिए अब क्या बचा, इट्स अ 1 अपॉन d माइनस a रेस टू द पावर n e टू द पावर ax स्टूडेंट्स। और इस फैक्टर के, मतलब जब इसमें d की जगह a लिखते हैं तो ये जीरो हो रहा है, तो उस केस में स्टूडेंट्स फिर एक रूल है, वो रूल क्या है इसे ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, phi a as it is, वो रूल क्या है स्टूडेंट्स कि ये जो n है d माइनस a रेस टू द पावर n है, तो अब आप ये डिनोमिनेटर जो है ना इसे d के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते जाइए, और तब तक करते जाइए जब तक कि ये कोई कांस्टेंट वैल्यू ना आ जाए, और जितनी बार आप ऊपर नीचे डिफरेंशिएट करेंगे उतनी बार ऊपर x से मल्टीप्लाई करते जाना है। तो इसकी पावर कितनी है n, तो मतलब जब इसे n टाइम डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा n, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, कुल मिलाकर फैक्टोरियल n आ जाएगा, और फिर फैक्टोरियल n यानी कि हमने n टाइम डिफरेंशिएट करिया तो ऊपर भी n टाइम x का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इट बिकम स्टूडेंट्स x रेस्ट टू द पावर n फैक्टोरियल n e टू द पावर ax। यस, इसे अपने दिमाग में रखिएगा स्टूडेंट्स, बिकॉज़ ये वर्किंग रूल तब बहुत काम आता है जब e टू द पावर ax के केस में जो डिनोमिनेटर है वो जीरो हो जाए, तो इसे अपने दिमाग में रखिएगा स्टूडेंट, ठीक। क्या करना है, जिस फैक्टर में d की जगह a रखने पर जीरो नहीं होगा पहले उसमें रख देना है, जिसके कारण जीरो हो रहा होगा उसे देखना है कि उस फैक्टर की डिग्री कितनी, जितनी उसकी डिग्री होगी उतना ऊपर x से मल्टीप्लाई कर देना है और उस n का नीचे फैक्टोरियल ले लेना है एंड मल्टीप्लाई बाय e टू द पावर x, ये आपका क्या आ जाएगा, pi आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अभी तक हम लोगों ने तीन रूल्स के ऊपर डिस्कशन किया pi के,
आई होप कि ये रूल्स आप लोगों को समझ में आए होंगे। इन रूल्स को आप लोग साथ में नोट भी करते जाइएगा और समझते भी जाइएगा, ठीक है ना। बिकॉज जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो मैं आपको ये कहूंगा कि आप जाइए, आप अपनी कॉपी में रूल्स देखिए, तब आपको वहां पर रूल समझना है और फिर उसे यूज भी करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आइए जरा इस तीसरे रूल के बाद अगले रूल के ऊपर जाते हैं। रूल नंबर 4 स्टूडेंट्स, व्हेन क्यू इज इक्वल्स टू साइन एक्स और कॉस एक्स, यानी कि अगर क्यू की वैल्यू साइन एक्स या कॉस एक्स हो तो उस केस में पी आई क्या होगा। दोनों के लिए एक ही रूल है स्टूडेंट्स, है ना, साइन एक्स के लिए भी और कॉस एक्स के लिए भी। पी आई स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ डी, ओके, डी स्क्वायर, एफ डी स्क्वायर साइन एक्स। मतलब हमने स्टूडेंट्स जो एफ डी था उस एफ डी में केवल उन टर्म्स के ऊपर फोकस किया है जिसमें डी स्क्वायर आएगा स्टूडेंट्स। तो दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ माइनस ए स्क्वायर साइन ए एक्स, है ना, और ये चीज कॉस ए एक्स के फॉर्म में भी होगी। इट मीन्स दैट स्टूडेंट्स कि जो एफ डी होगा उस एफ डी में डी स्क्वायर वाले जितने भी टर्म्स होंगे, डी स्क्वायर या ज्यादा, हम उसमें माइनस ए स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर देंगे स्टूडेंट्स। जैसे मान लीजिए कि कहीं पर उसमें डी स्क्वायर होगा तो माइनस ए स्क्वायर, और मान लीजिए उसमें डी क्यूब हुआ तो हम उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे एक डी तो एज इट इज, और डी स्क्वायर की जगह फिर माइनस ए स्क्वायर। इस तरह से काम होगा स्टूडेंट्स, यानी केवल डी स्क्वायर की जगह पर माइनस ए स्क्वायर लिखना है, बाकी और कहीं पर नहीं लिखना है स्टूडेंट्स, बी केयरफुल। और अगर डी रेस्ट टू दी पावर 4 होगा तो माइनस ए स्क्वायर दो बार आ जाएगा, ठीक है ना, यानी वो माइनस ए का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये रूल भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ठीक है, लेकिन इसमें भी शर्त वही है स्टूडेंट्स। क्या है रिमार्क, शर्त वही है स्टूडेंट्स, इफ एफ माइनस ए स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू जीरो। हालांकि होगा नहीं, बिकॉज इसमें केवल डी स्क्वायर की जगह लिखना है ना, डी वाले टर्म्स तो होंगे ही होंगे स्टूडेंट्स, तो वो बचा रह जाएगा कुछ, और फिर डी स्क्वायर की जगह आप ए स्क्वायर लिख देंगे माइनस ऑफ ए स्क्वायर, जो बचा हुआ टर्म रहेगा डिनोमिनेटर में, फिर उसमें आप जो भी कोई रूल और फिट हो रहा हो उस रूल को लगा देंगे। जनरल रूल तो किसी पे भी लगाया जा सकता है, जो स्टार्टिंग में देखा था उसको लगा दीजिएगा, सॉल्व हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक। तो दिस इज द रूल नंबर 4। नाउ रूल नंबर 5 स्टूडेंट्स, रूल नंबर फाइव इज स्टूडेंट्स, when q is equals to x raised to the power m, where m is positive integer, where m is positive integer, अगर m जो है वो positive integer हो, then pi is equals to 1 upon f d q is equals to, तो स्टूडेंट्स ये जो एफ डी होगा उस एफ डी को हम लोग न्यूमरेटर में ले जाएंगे एंड q की वैल्यू तो अपने पास x raised to the power m है ना, तो x raised to the power m यानी कि इस FD को हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो इसकी पावर 1 हो जाएगी, और इस FD में से फिर D की जो भी लोएस्ट डिग्री होगी, यहीं पर कर लेंगे हम, D की जो लोएस्ट डिग्री होगी उसको कॉमन लेंगे और इस FD को हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे स्टूडेंट्स। किस फॉर्म में, FD को हम लोग 1 प्लस माइनस आप ऐसा समझ लीजिए इट्स अ फंक्शन ऑफ डी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, और इसमें से हम डी कुछ कॉमन ले लेंगे, इट बिकम दिस लाइक दैट, और फिर इसका बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंशन कर देंगे, और वो बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंशन जो होगा उसमें एक्सपेंशन कहां तक जाएगा, उसमें एक्सपेंशन जाएगा इस एम तक, मतलब कि जब तक डी की पावर एम ना आ जाए तब तक हम एक्सपेंशन लेंगे, क्योंकि उसके आगे उसमें डी रहेगा, d to the power m x raised to the power m, तो ये दोनों मिलके कांस्टेंट हो जाएंगे, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि जब d
डी एम आएगा, एक्स टू दी पावर एम आएगा, तो ये कॉन्स्टेंट आ जाएगा स्टूडेंट। और जैसे ही हम अब इसकी पावर बढ़ाएंगे तो एक्स टू दी पावर एम जो है दिस वन इज इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। मतलब कि इसमें एक्सपेंशन कहां तक लेना है, इसमें एक्सपेंशन डी टू दी पावर एम तक लेना है। तो इसको अपने दिमाग में ऐसे बैठाइए कि जब भी एक्स टू दी पावर एम आएगा मुझे बाइनोमियल एक्सपेंशन करना है, और बाइनोमियल एक्सपेंशन बनाने के लिए मुझे उसे वन प्लस माइनस एफ डी के फॉर्म में लिख रहा है, यानी उसमें वन जरूर बनाना है किसी भी तरह से, ठीक है ना। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग इस रूल को यूज करेंगे और पी आई निकालेंगे। इस रूल को दिमाग में रखिएगा क्योंकि ये यूनिक रूल है, बिकॉज इसमें हम बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन मतलब बाइनोमियल थ्योरम का यूज करते हैं उसकी पी आई निकालते हैं। नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स रूल नंबर सिक्स। रूल नंबर सिक्स स्टूडेंट्स क्या है, व्हेन व्हेन क्यू इज इक्वल्स टू ई टू द पावर ए एक्स इनटू वी, यानी कि इट्स अ फंक्शन ऑफ एक्स, वी जो है वो फंक्शन ऑफ एक्स के फॉर्म में हो, ठीक है ना, दिस वन, यानी एक ई टू द पावर ए एक्स और उसके मल्टीप्लाई में वी हो, तो देन पी आई इज इक्वल टू, पी आई इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट्स, वन अपॉन एफ डी e to the power ax v, so this is equals to students e to the power ax, मतलब उसको कैलकुलेशन से बाहर करेंगे और उसके लिए हमें d को रिप्लेस करना होगा d plus a से। स्टूडेंट्स आई थिंक मैं सही जा रहा हूं कि गलत, अभी देख लेते हैं स्टूडेंट्स। यस हमें उसे रिप्लेस करना होगा स्टूडेंट्स f d plus a से, और जो रिमेनिंग रह जाएगा वो ये रह जाएगा दिस वन v, और फिर हम लोग इसे सॉल्व करेंगे जो भी रूल्स हमारे पास अवेलेबल होंगे उसकी मदद से, बिकॉज ये जो सॉल्व होगा ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि v क्या दिया हुआ होगा हमें, ठीक है ना। तो फिर जितने भी रूल्स हमने अभी तक पांच डिस्कस किए हैं, अगर उनमें से कोई रूल फिट होगा इसमें तो वो लगा देंगे, अदरवाइज जनरल रूल तो लगाना ही पड़ेगा फिर, ठीक। तो इस तरह से स्टूडेंट्स इस तरह के पीआई को हम निकालेंगे जब राइट हैंड साइड e टू द पावर ए एक्स वी एक्स के फॉर्म में हो स्टूडेंट्स। एंड लास्ट स्टूडेंट्स रूल नंबर 7। इस रूल का इस्तेमाल बहुत ही कम होता है स्टूडेंट्स, लेकिन फिर भी हमें इसको समझ लेना चाहिए। ये रूल क्या है स्टूडेंट्स कि जब हम लोगों को जो q है, इस रूल को देख लेते हैं, बल्कि इस रूल से पहले हम लोगों को कुछ रूल और देख लेना चाहिए, ठीक है ना। रूल्स क्या है स्टूडेंट्स, कुछ स्पेशल केसेस हैं स्टूडेंट्स। क्या स्पेशल केसेस हैं, ये रिमार्क के तौर पे आप ले सकते हैं स्टूडेंट्स। वो केसेस ये हैं स्टूडेंट्स कि अगर हम लोगों को जो एफ डी है, यस इफ एफ डी इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में हो, दिस इंप्लाइज दैट पी आई फॉर स्पेशल केसेस है स्टूडेंट्स, है ना, देन पी आई वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन ए एक्स, इसकी जो वैल्यू है स्टूडेंट्स वो होती है माइनस एक्स अपॉन टू कॉस ए एक्स। बी कैसे डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन ए एक्स, ए और ए यहां मैच कर रहा है, तो उस केस में इस पूरे पीआई की वैल्यू हो जाएगी माइनस एक्स अपॉन टू ए कॉस ए एक्स। और उसी तरह से स्टूडेंट्स अगर साइन ए एक्स की जगह कॉस ए एक्स हो तो डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस ए एक्स की वैल्यू हो जाती है एक्स अपॉन टू ए साइन एक्स, राइट स्टूडेंट्स। तो ये दो रूल्स अपने दिमाग में रखिएगा, कभी कभी स्पेशल फॉर्म में एफ डी की वैल्यू ये दे देता है वो, और फिर पी आई पूछ लेता है स्टूडेंट, और उसमें साइन ए एक्स या कॉस ए एक्स के फॉर्म में आपको राइट हैंड साइड दे दिया जाता है। तो ये स्पेशल रूल है, इसको अपने दिमाग में रखिएगा। एंड लास्ट स्टूडेंट्स दिस इज द रूल नंबर 8। ये बहुत ही कम यूज होता है कि अगर राइट हैंड साइड क्यू इज इक्वल्स टू, इफ क्यू इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से हो, किस तरह से, इफ क्यू इज इक्वल्स टू, यस इट्स व्हेन द क्यू इज, व्हेन क्यू इज एक्स रेस टू द पावर एम वी के फॉर्म में, ठीक है ना, मतलब एक्स रेस टू द पावर एम हो और कोई भी फंक्शन ऑफ एक्स हो,
तो उस केस में स्टूडेंट्स जो पी आई है वो पी आई इज इक्वल्स टू होता है वन अपॉन एफ डी एक्स एस टू द पावर एम वी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स रेस्ट टू द पावर एम वन अपॉन एफ डी वी प्लस एम एक्स रेस्ट टू द पावर एम माइनस वन ब्रैकेट डी बाय डी वन अपॉन एफ डी वी। इट मीन्स दैट स्टूडेंट्स के इस वन अपॉन एफ डी का डी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा और जो रिजल्ट आएगा उसे वी के साथ में सॉल्व किया जाएगा। प्लस अंदाजा लगाइएगा आप जरा इसके आगे वाला एम एम माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स रेस टू दी पावर एम माइनस टू। अंदाजा लगा सकते हो बच्चों क्या होना चाहिए अंदर डी स्क्वायर डी डी स्क्वायर वन अपॉन एफ डी एंड वी एंड प्लस सो ऑन। और ये टर्म बहुत आगे तक जाएगा और ये तब तक चलता रहेगा स्टूडेंट जब तक कि एक्स की पावर जीरो ना आ जाए यानी कांस्टेंट ना आ जाए। ठीक है ना। इट मींस दैट कि ये फॉर्मूला कितना लंबा होगा ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि एक्स रेस टू द पावर कितना हमें दिया हुआ है स्टूडेंट्स। तो बच्चों दीज आर दी कंप्लीट या टोटल रूल्स ऑफ पी आर। कुल मिला के 8 रूल्स हैं स्टूडेंट्स और हमने काफी डिटेल में इन्हें समझा और आपको कोशिश करी है मैंने कि आप विजुलाइज करके देख सके कि हाँ राइट हैंड साइड ये हो रही है तो मुझे ऐसा ऐसा करना है। अब इन रूल्स को स्टूडेंट्स यूज करने की बारी है और हम रैंडमली अब कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट करेंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे इन रूल्स की मदद से। आपको शुरुआत के कुछ क्वेश्चंस में तो स्टूडेंट्स में सीएफ निकाल के दिखाऊंगा लेकिन आखिरी के जो कुछ क्वेश्चंस होंगे उसमें केवल पीआई निकाल के दिखाऊंगा बिकॉज सीएफ निकालना इट्स वेरी इजी स्टूडेंट्स। ठीक है। तो आइए जरा स्टूडेंट्स आगे हम कुछ क्वेश्चंस के ऊपर बात करते हैं। अब आइए स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और पहला क्वेश्चन है बच्चों सॉल्व डी माइनस वन रेस टू द पावर टू यानी डी माइनस वन होल स्क्वायर डी माइनस थ्री होल क्यूब ब्रैकेट वाई इज इक्वल्स टू ई टू द पावर 3x, राइट। दिस इज द क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर टू है बच्चों। क्वेश्चन नंबर टू इज डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस थ्री डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू फोर कॉस स्क्वायर एक्स। नंबर थ्री है बच्चों। Yes, it's a d cube plus 2d square plus dy is equals to e to the power 2x plus x square plus x। ठीक है। And the next one is, yes, it's a fourth question. It's a d3 minus 3d square, 3d square plus 4d minus 2y. 4d minus 2y and 4d square ठीक है is equals to e to the power x plus cos x।
प्लस एक्स कॉस एक्स स्टूडेंट्स, ठीक है। वही जरा स्टूडेंट्स हम लोग इसे सॉल्व करना शुरुआत स्टूडेंट्स आई मीन चार क्वेश्चन से करते हैं और बारी बारी से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। इन चार क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स आप लोगों को ये समझना है कि सीएफ कैसे निकाला और फिर पीआई कैसे निकाला, बिकॉज इसके आगे जब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें मैं आपको केवल पीआई निकाल के दिखाऊंगा, सीएफ नहीं, फिर वो आप लोग निकालेंगे सीएफ, लेकिन इन चार क्वेश्चंस के लिए हम सीएफ और पीआई दोनों निकालेंगे स्टूडेंट्स। तो आइए स्टूडेंट्स पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, सोल्यूशन नंबर वन, ठीक। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है सबसे पहले वो बनाएंगे, the auxiliary equation of one students, क्या बनेगी students? It's a m minus one whole square m minus three whole cube is equals to zero. तो यहां से बच्चों m की value क्या आएगी, m is equals to one one and three three three, कुल मिला के students m की दो values आई one one और तीन values आई हैं three three three, रिपीटेड वैल्यूज आएंगे। सो देयरफॉर स्टूडेंट्स जो सीएफ होगा वो सीएफ की वैल्यू क्या होगी, सीएफ इज इक्वल्स टू होगा सी वन प्लस सी टू एक्स, क्योंकि सब रियल है और रिपीटेड है, सी वन प्लस सी टू एक्स ई टू द पावर एम वन यानी ये एक्स प्लस सी थ्री सी फोर एक्स प्लस सी फाइव एक्स स्क्वायर ई टू द पावर 3x स्टूडेंट्स। तो ये तो हो गया CF, अब जब आप PI निकालेंगे PI स्टूडेंट्स, तो PI इज इक्वल्स टू 1 अपॉन FD और FD क्या दिया हुआ है ये, तो इट्स 1 अपॉन D माइनस 1 होल स्क्वायर D माइनस 3 होल क्यूब e टू द पावर 3x एंड दिस इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स लुक, अब राइट हैंड साइड बच्चों e टू दी पावर ax के फॉर्म में है और जब राइट हैंड साइड ax के फॉर्म में होती है तो कौन सा रूल अप्लाई होता है याद करिए, वो रूल के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स हम लोग d की जगह पर ये जो भी कोफिशिएंट होता है x का वो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन केवल उसी जगह पर हम कर सकते हैं जहां पर डिनोमिनेटर जीरो ना हो रहा हो। अब ये दो फैक्टर्स हैं स्टूडेंट्स, अगर हम d की जगह यहाँ 3 लिखते हैं तो ये जीरो हो रहा है तो मतलब इसमें नहीं करना है, और इसमें लिखते हैं तो ये जीरो नहीं हो रहा है तो हम यहाँ कर सकते हैं स्टूडेंट्स, तो हम इसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 1 अपॉन 3 माइनस 1 होल स्क्वायर d माइनस 3 होल क्यूब और e टू द पावर 3x स्टूडेंट्स। तो हमें मिल जाएगा बच्चों, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, इसको अलग कर देते हैं, इट्स 1 अपॉन 3 माइनस 1 2 का होल स्क्वायर यानी 4 एंड 1 अपॉन d माइनस 3 होल क्यूब e टू द पावर 3x स्टूडेंट्स। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि जब d की जगह पर हम लोग 3 लिख रहे हैं तो वो 0 हो रहा है, डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, तो इस केस में फिर इसमें एक रिमार्क हम लोगों ने पढ़ा था कि जब ऐसा हो स्टूडेंट्स तो उस केस में 1 अपॉन 4 जितनी इसकी पावर है 3 उतना ऊपर x बार उतना x मल्टीप्लाई करना है यानी तीन बार और नीचे आ जाएगा फैक्टोरियल 3 एंड इट इज e टू द पावर 3x, तो हमें मिल जाएगा बच्चों फैक्टोरियल 3 यानी 6 6 चौक 24 24 x क्यूब e टू द पावर 3x एंड दिस इज पी आई, सो हेंस कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन y is equals to cf plus pi and what is cf, cf is yes cf is c1 plus c2x e to the power x plus c3 c4x c5 x square e to the power 3x students right and plus what is pi, plus pi की value आई है 1 by 24 x cube e to the power 3x स्टूडेंट्स। तो ये आया स्टूडेंट्स हम लोगों के पास में कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर
वन स्टूडेंट्स, पहले हमने सी एफ निकाला और फिर पी आई निकालने के लिए स्टूडेंट्स हम लोगों ने एक रूल का इस्तेमाल किया, जब राइट हैंड साइड e टू द पावर ए एक्स के फॉर्म में हो, और इसमें एक स्पेशल केस भी लग गया जब डिनोमिनेटर जीरो हो रहा था स्टूडेंट्स, तो हमने फिर दूसरे रूल का भी यूज किया, राइट। अब आगे आइए क्वेश्चन नंबर टू देखें। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर टू देखिएगा। क्वेश्चन नंबर टू के लिए अगर हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएं, ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन नंबर टू के लिए, तो वो बनेगा स्टूडेंट्स एम स्क्वायर प्लस थ्री एम प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। और यहां पर अगर हम लोग फैक्टर्स देखें तो हमें फैक्टर्स मिलेंगे एम प्लस टू एम प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से जो m की वैल्यूज हैं वो आएंगी माइनस टू और माइनस वन स्टूडेंट्स, ठीक है। और इस तरह से जो सी एफ है वो सी एफ की वैल्यू आएगी सी वन ई टू दी पावर माइनस टू एक्स प्लस सी टू ई टू दी पावर माइनस एक्स। आगे पीछे आप कहीं भी लिख सकते हैं सी वन सी टू के साथ में, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्योंकि जो m है उसकी वैल्यू माइनस टू और माइनस वन आई थी, दैट्स व्हाई दिस इज द सी एफ। और पी आई निकालने के लिए स्टूडेंट्स हम लोग फिर इसको कुछ इस तरह से करेंगे, पी आई इज इक्वल्स टू वन अपॉन क्या है स्टूडेंट्स, इट्स अ डी स्क्वायर प्लस थ्री डी प्लस टू, राइट। इसको डी के फॉर्म में इस तरह से लिखा जा सकता है फोर कॉस स्क्वायर एक्स। अब कॉस स्क्वायर एक्स के लिए तो कोई रूल नहीं होता है, इसलिए कॉस को हम साइन में चेंज कर सकते हैं या कॉस में चेंज कर सकते हैं, और इनको लिख सकते हैं स्टूडेंट्स क्या, इसको हम लोग लिख। तो स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर टू के लिए सी एफ निकाल लिया है और पी आई के लिए हम लोगों ने वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस थ्री डी प्लस टू फोर कॉस स्क्वायर एक्स, देन इसे डिनोमिनेटर को एज इट इज रहने दिया। और हम जानते हैं कि हमारे पास में कॉस स्क्वायर के लिए कोई रूल नहीं है पी आई फाइंड करने का, तो हम इस कॉस स्क्वायर को चेंज करेंगे टू इंटू टू कॉस स्क्वायर एक्स, बिकॉज आप जानते हैं कि टू कॉस स्क्वायर एक्स के लिए फॉर्मूला होता है बच्चों, क्या होता है टू कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है वन प्लस कॉस टू एक्स। तो हम इस टू कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पर वन प्लस कॉस टू एक्स लिखेंगे, तो हमें मिल जाएगा स्टूडेंट्स पी आई इज इक्वल टू वन अपॉन डी स्क्वायर 3d plus 2 into 1 plus cos 2x friends। और फिर इसे दो पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे स्टूडेंट, इट बिकम 1 अपॉन d square 3d plus 2 into 2 and plus 1 upon d square plus 3d plus 2 cos 2x, राइट स्टूडेंट्स। और साथ में 2 भी है तो इस 2 को भी रहने देते हैं 2 cos 2x। अब स्टूडेंट्स ये जो है इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 upon d square 3d plus 2 into 2 ठीक है e to the power 0x plus, इस 2 को तो आप चाहो तो बाहर कर दो बच्चों, this is 2 आगे कर दो, इस 2 को भी आप बाहर कर दो। एंड लुक, आपने जो रूल पढ़ा है पी आई के लिए उसमें ये पढ़ा है कि अगर राइट हैंड साइड कॉस टू एक्स हो यानी ए एक्स हो तो डी स्क्वायर को ए स्क्वायर से रिप्लेस किया जा सकता है माइनस ए स्क्वायर से।
तो हम इस डी स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं स्टूडेंट्स माइनस टू स्क्वायर थ्री डी प्लस टू एंड कॉस टू एक्स स्टूडेंट्स एंड दिस इज इक्वल्स टू। और आपने पी आई का एक और रूल पढ़ा है कि अगर राइट हैंड साइड e टू दी पावर एक्स के फॉर्म में हो तो d की जगह पर a लिखा जा सकता है, पर सकते कि डिनोमिनेटर जीरो ना हो, और अगर यहाँ जीरो लिखते हैं यहाँ जीरो रखते हैं तो ये पूरा जीरो नहीं हो रहा है, तो मतलब ऐसा किया जा सकता है। तो वन अपॉन जीरो प्लस जीरो प्लस टू और e टू दी पावर जीरो एक्स मतलब वन प्लस ये टू इज ओके, वन अपॉन माइनस फोर प्लस टू ठीक, तो इट बिकम थ्री डी माइनस टू, थ्री डी माइनस टू कॉस टू एक्स स्टूडेंट्स। अब ये तो ठीक है बच्चों, टू से टू कैंसिल होके इट बिकम वन। नाउ अब इसमें क्या किया जा सकता है, एक तरीका तो ये है कि इसमें जनरल रूल लगा दिया जाए क्योंकि ये एक लीनियर फैक्टर बन गया है, या दूसरा तरीका है कि किसी तरह से डिनोमिनेटर को वापस डी स्क्वायर बना दिया जाए। तो डी स्क्वायर बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, डी स्क्वायर को हम डी स्क्वायर बनाने के लिए बच्चों हम इसमें ऊपर नीचे 3d प्लस 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इट बिकम कॉस, तो यहां पर हो जाएगा 3d माइनस 2 एंड कॉस 2x स्टूडेंट्स। तो नाउ दिस बिकम 1 प्लस 2 3d प्लस 2 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा स्टूडेंट्स 9d स्क्वायर माइनस फोर स्टूडेंट्स एंड दिस इज कॉस 2x। और फिर वही रूल लगा दीजिए स्टूडेंट, डी स्क्वायर की जगह माइनस ऑफ ए स्क्वायर इट बिकम 1 प्लस 2 3d प्लस 2 कॉस 2x एंड डिवाइड बाय माइनस 9 माइनस 2 का स्क्वायर एंड माइनस 4 स्टूडेंट्स ठीक। तो ये बन जाएगा बच्चों माइनस फोर, नौ जब 36 और माइनस टू यानी 40 माइनस 40 और ये 2 कैंसिल कर देगा उसको तो इट बिकम माइनस 20। तो नाउ स्टूडेंट्स हम लोगों के पास में आ जाएगा इट्स 20, तो इट्स 1 प्लस, इसको माइनस बना देते हैं डायरेक्ट, अब 1 माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 20 एंड 3 डी कॉस का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3d cos 2x एंड प्लस 2 cos 2x और इस d का मतलब क्योंकि डिफरेंशिएशन होता है तो cos 2x का अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे स्टूडेंट्स तो हम लोगों को मिल जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 20 इट्स माइनस 6 बिकॉज 2 आगे आएगा माइनस 6 sin 2x and plus 2 cos 2x yeah that is 2 common लेके आप cancel कर देंगे तो it become 10। तो ये आया बच्चों PI for the question number 2 और complete solution जो हो जाएगा complete solution is equals to friends complete solution क्या बन जाएगा it's y is equals to c1 e to the power minus 2x plus c2 e to the power minus x and it's plus 1 minus 1 upon 10 bracket 3 sine 2x 3 sine 2x and plus cos 2x yes friends so this is the complete solution of question number 2। क्वेश्चन नंबर टू को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स हम लोगों को दो रूल का यूज करना पड़ा, एक e टू दी पावर ax वाला और एक cos 2x यानी cos ax वाला। तो अभी तक आप लोगों ने स्टूडेंट्स दो रूल को यूज करना सीख लिया है, एक कि e टू दी पावर ax को कैसे यूज किया जाता है, वो केस भी पढ़ लिया है जिसमें डिनोमिनेटर जीरो हो रहा था उसे भी पढ़ा और cos ax के विषय में भी पढ़ा। अब आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की ओर, लेकिन क्वेश्चन नंबर थ्री से पहले स्टूडेंट्स मैं इस क्वेश्चन नंबर फोर के ऊपर आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। इसमें राइट हैंड साइड e टू दी पावर ax और cos x है यानी कि cos ax के फॉर्म में है और ये है fd। तो मैं आई थिंक आप लोगों को केवल यहीं पर हिंट कर देता हूं स्टूडेंट्स कि आप इस क्वेश्चन के लिए इन दो रूल्स का यूज करते हुए काम खुद से कर लीजिएगा स्टूडेंट्स ठीक है। अब आइए स्टूडेंट्स हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं।
और क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर फोर मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसे आप लोग करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अगर केस फेल हो रहा हो तो जनरल रूल का यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। नाउ गो टू द क्वेश्चन नंबर थ्री। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे कि इस क्वेश्चन को हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो द ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी। इट्स अ एम क्यूब प्लस टू एम स्क्वायर प्लस एम इज इक्वल टू जीरो। इसे हम लोग लिख सकते हैं एम एम स्क्वायर टू एम प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, यानी कि m m प्लस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, यानी कि हमारे पास m इज इक्वल टू आएगा जीरो और m इज इक्वल टू आएगा माइनस वन माइनस वन। तीन वैल्यूज आई हैं बच्चों m की, एक जीरो है और दो रिपीटेड है। इसका मतलब देयर फोर सी एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी वन ई टू दी पावर जीरो एक्स प्लस सी टू प्लस सी थ्री एक्स ई टू दी पावर माइनस एक्स। दिस इज द सी एफ। एंड पी आई निकालने के लिए स्टूडेंट्स फिर वही पी आई इज इक्वल टू वन अपॉन वॉट वन अपॉन डी क्यूब प्लस टू डी स्क्वायर प्लस डी, और मल्टीप्लाई में मतलब राइट हैंड साइड है ई टू दी पावर टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब जरा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स कि हमारे पास में जो राइट हैंड साइड है वास्तव में वो सम ऑफ टू फंक्शंस है। एक तो इस पूरे को अगर एक मान लें क्योंकि ये एक्स की पावर्स है यानी कि अलजेब्रिक फंक्शन है, और एक ये e to the power 2x है। तो हम इसे दो पार्ट्स में तोड़ देते हैं बच्चों यहाँ पर, और दो पार्ट्स में तोड़ देंगे तो हमें मिलेगा दिस इज इक्वल टू वन अपॉन डी क्यूब प्लस टू डी स्क्वायर प्लस डी एंड e to the power 2x प्लस वन अपॉन डी क्यूब टू डी स्क्वायर प्लस डी एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। अब जरा ध्यान दीजिएगा अलग अलग रूल्स लगेंगे पी आई के, यहाँ पर e to the power x वाला और यहाँ पर बायनोमियल थ्योरम से एक्सपेंशन करने वाला जिसमें x to the power m दिया रहता है। तो यहाँ पर तो स्टूडेंट्स हम लोग d को a से रिप्लेस कर देंगे यानी 2 से रिप्लेस कर देंगे, और क्योंकि सारे टर्म्स प्लस में है इसलिए जीरो तो कुछ होगा नहीं, तो इट बिकम 2q plus 2 2 square plus 2 e to the power 2x and now plus। इसे देखिए इसमें बायनोमियल थ्योरम लगाने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले जो लोएस्ट डिग्री ऑफ डी है उसे कॉमन लेते हैं, तो हमें मिल जाएगा 1 upon d 1 plus 1 plus d square and 2 d स्टूडेंट्स, ठीक है। और ये x square plus x साथ में चल रहा है। नाउ ये तो हो जाएगा बच्चों कितना, इट्स 8 8 16 और 2 18, तो 1 upon 18 e to the power 2x प्लस ये 1 upon d as it is and ये इसको हम न्यूमरेटर में ले जाके ऐसे लिख सकते हैं 1 plus 2d plus d square raised to the power minus 1 x square plus x, है ना। इस पूरे को मान लीजिए x और ये 1, और आपको याद होगा बच्चों कि 1 plus x raised to the power minus 1 is equals to होता है 1 minus x plus x square minus x cube plus x raised to the power 4 minus x raised to the power 5 and so on। तो इसमें x का काम कौन कर रहा है, x का काम कर रहा है 2d plus d square। तो हमें मिलेगा स्टूडेंट्स 1 upon 18 e to the power 2x plus 1 upon d is okay। और now अब binomial theorem से expansion कीजिए, और एक्सपेंशन भी आप कहां तक करेंगे, x टू दी पावर 2 है मतलब जहां तक d स्क्वायर आए उसके आगे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इट्स 1 माइनस 1 माइनस
एक्स यानी कि 2d प्लस डी स्क्वायर एंड प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि 2d प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड प्लस सो ऑन। और ये मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है, इट्स अ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब केवल वो टर्म्स लीजिए जिसमें डी स्क्वायर तक के पावर्स आए हैं, तो हमें मिलेगा स्टूडेंट्स 1 अपॉन 18 e टू द पावर 2x प्लस 1 अपॉन d चल ही रहा है ब्रैकेट। नाउ ये तो ठीक है, 1 माइनस 2d प्लस या माइनस डी स्क्वायर। जब इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे स्टूडेंट्स तो ये आएगा 4 डी स्क्वायर प्लस डी रेस टू दी पावर 4 एंड 4 डी क्यूब। तो वो बाकी अपने काम का नहीं है, बस एक ही चीज काम का है, क्या, प्लस 4 डी स्क्वायर। ठीक, बाकी के सारे हायर डिग्री टर्म होंगे उनको छोड़ दीजिए, और ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ये डी स्क्वायर, ये 4 डी स्क्वायर माइनस 3 डी स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो 1 अपॉन 18 e टू दी पावर 2x एंड प्लस 1 अपॉन डी, और ये हमें मिल जाएगा 1 माइनस 2d एंड माइनस की जगह प्लस 3d स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब बारी बारी से इसका अंदर मल्टीप्लाई करिए, सॉरी ये d था, मल्टीप्लाई करिए, और d का मतलब क्योंकि डिफरेंशिएशन होता है तो डिफरेंशिएशन करते जाइए, तो इट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 18 e टू दी पावर 2x प्लस 1 अपॉन d। ठीक है, नाउ ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, आप इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा बच्चों 2x और ये बन जाएगा प्लस 1 प्लस 3, दो बार डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन दो बार करेंगे तो ये आ जाएगा 2 और ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जब इसको सिंपलीफाई हम कर देंगे बच्चों तो हमें मिल जाएगा 1 अपॉन 18 e टू द पावर 2x प्लस 1 अपॉन d and it is equals to x square, कहीं और दिख रहा है, नहीं है, x square plus, ये हो जाएगा बच्चों कितना, it is x और ये minus का 4x, तो minus 4x plus x यानी minus का 3x, और ये है बच्चों minus का 2 और plus का 6 यानी plus का 4। अब क्योंकि इसके आगे 1 upon d लगा है, it means that ये integration है with respect to x, तो it is equals to students 1 upon 18 e to the power 2x and plus integration of this, तो x cube का x square का integration x cube by 3 minus 3x square by 2 and plus 4x। तो ये आई बच्चों pi की value, और फिर complete solution लिख दीजिएगा students, complete solution है ना, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, केवल लिख देता हूँ y is equals to cf plus pi, और इसमें आप cf और pi की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, you will get the complete solution of differential equation। तो यहाँ पर बच्चों बेसिकली जो आपको सीखना था वो ये सीखना था कि जब हमारे पास में राइट हैंड साइड x square plus x या कोई अलजेब्रिक टर्म हो तो उसके लिए पीआई निकालने के लिए हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज कैसे कैसे करते हैं और किन किन बातों का ध्यान रखते हुए करते हैं। तो यहाँ पर फिर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पीआई निकालने के लिए दो रूल्स का यूज किया, एक बाइनोमियल थ्योरम वाले रूट का और एक e टू द पावर x का। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने अभी तक 3 से 4 रूल्स कवर कर लिए हैं, अब आइए कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं और इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। सॉल्व डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4y इज इक्वल्स टू 8x स्क्वायर e टू द पावर 2x साइन 2x, राइट स्टूडेंट्स। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो दी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों, m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, और ये है m माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 यानी कि m इज इक्वल्स टू 2 रिपीटेड है। तो cf इज इक्वल्स टू आ जाएगा बच्चों क्या, cf इज इक्वल्स टू आएगा, इट्स c1 e टू द पावर 2x, not this, c1
प्लस सी टू एक्स ई टू दी पावर 2x स्टूडेंट्स. एंड नाउ पी आई निकालने के लिए हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे. इट्स वन अपॉन इज डी स्क्वायर माइनस फोर डी, डी स्क्वायर माइनस फोर डी प्लस फोर, और राइट हैंड साइड कितनी है, इट्स 8x स्क्वायर ई टू दी पावर 2x साइन 2x स्टूडेंट्स. एंड दिस कैन बी रिटन एज स्टूडेंट्स वन अपॉन डी माइनस टू होल स्क्वायर 8x स्क्वायर ई टू दी पावर 2x साइन 2x. ठीक. और जब भी स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड में ई टू दी पावर 2x हो और दूसरे कई फंक्शंस हो, तो आपको जिस रूल का यूज करना है वो रूल आपको याद होगा कि 1 अपॉन एफ डी ई टू दी पावर ए एक्स वी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सॉरी इट्स ई टू दी पावर ए एक्स 1 अपॉन एफ डी प्लस ए एंड वी. आपको इस रूल का यूज करना है, यानी e टू द पावर 2x को बाहर करने के लिए आप d को रिप्लेस कर देंगे d प्लस a से, यानी d प्लस 2 से. तो आपको मिल जाएगा स्टूडेंट्स, इट इज इक्वल्स टू e टू द पावर 8 और e टू द पावर 2x को बाहर कर दीजिए, 8 e टू द पावर 2x, इट बिकम 1 अपॉन d प्लस 2 और ये माइनस 2 पहले से ही था होल स्क्वायर, d रिप्लेस हो गया d प्लस 2 से. और यहां पर क्या क्या बचा बच्चों, इट्स x स्क्वायर साइन 2x, राइट बच्चों. एंड दिस इज इक्वल्स टू बच्चों 8 e टू द पावर 2x एंड 1 अपॉन ये कैंसिल, तो इट्स अ 1 अपॉन d स्क्वायर और हमारे पास आ गया x स्क्वायर साइन 2x स्टूडेंट्स. ठीक. अब ये जो x स्क्वायर साइन 2x आया है इसको इंटीग्रेट करना है, दो बार इंटीग्रेट करना है. तो जब आप इसको दो बार इंटीग्रेट करेंगे स्टूडेंट्स, तो इट्स द 8 e टू द पावर 2x एंड यस एंड 1 अपॉन d को रहने दीजिए और इंटीग्रेशन x स्क्वायर sin 2x dx. तो आपने इंटीग्रेशन का एक चेन रूल पढ़ा होगा स्टूडेंट्स, इसे फर्स्ट फंक्शन मानिए, इसे सेकंड फंक्शन मानिए, तो आपके पास आ जाएगा 8 e टू द पावर 2x into 1 upon d first function integration of second यानी कि minus cos 2x upon 2 फिर minus differentiation of first 2x integration of this term, इसका integration करेंगे तो आपको मिल जाएगा minus cos sin 2x upon 4 and फिर plus differentiation of 2x यानी 2 and integration of this one यानी कि cos 2x upon minus आता, लेकिन ये minus minus plus and it's a 8 students. तो आप लोगों के पास में इसकी value आ गई है 8 e to the power 2x 1 upon d, ये 2 1 by 2 sorry minus 1 by 2 x square cos 2x minus minus plus 2 से ये cancel, it's a x sin x sorry sin 2x upon 2 or plus 1 upon 4 cos 2x. अब एक d और रह गया स्टूडेंट्स, यानी इसमें एक बार और चेन रूल लगाना पड़ेगा. तो इसमें जब आप एक बार और चेन रूल लगा देंगे स्टूडेंट्स, तो देखो चेन रूल इसमें लगेगा और इसमें भी लगेगा, ठीक है ना. इसका तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो वो कर दीजिएगा. मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट आंसर बता देता हूं कि जब आप ऐसा कर लेंगे स्टूडेंट्स, तो फाइनली आपको जो आंसर मिलेगा वो होगा, उसकी वैल्यू होगी स्टूडेंट्स, इट्स अ फाइनल रिजल्ट इज e टू द पावर 2x ब्रैकेट माइनस 2x स्क्वायर साइन 2x माइनस 4x 2x प्लस 3 साइन 2x स्क्वायर्स, ठीक है, प्लस 3 साइन 2x. तो दिस इज योर पीआई स्टूडेंट्स, और इस पीआई को
आप CF जोड़ देंगे तो आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा स्टूडेंट्स। तो बेसिकली जो मेरा उद्देश्य था स्टूडेंट्स वो आपको ये बताना था कि जब राइट हैंड साइड में e टू दी पावर 2x और कोई दूसरा फंक्शन भी आए तो कैसे आप लोग पी आई के रूट का इस्तेमाल करेंगे, और वो मैंने बताने का उद्देश्य था। बाकी इंप्लीमेंटेशन तो आप लोग कर लेंगे आसानी से। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने इस लेक्चर में ये समझा कि CF के रूल्स क्या होते हैं, PI के रूल्स क्या होते हैं, और फिर कुछ जनरल क्वेश्चंस लिए, उनमें बारी बारी से कुछ कुछ रूल्स लगाए। अब आप अपनी बुक की मदद से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और इस आर्टिकल को कंप्लीट करिए स्टूडेंट्स। ये आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे PI के लिए उतना ज्यादा आप कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। मैंने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस करके आपको रूल्स को समझाने की कोशिश करी, लेकिन आप इनकी मदद से खूब सारे क्वेश्चंस करिए, इसकी खूब प्रैक्टिस करिए, बिकॉज यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का है बनना। और ये CF और PI बेस है, अगला जो यूनिट है उसमें यूज होगा ये काफी ज्यादा। कॉशीज होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हर जगह ये यूज होगा, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितने जगह पर भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट आएगा ये वहां यूज होगा, ये पार्शियल में भी यूज होगा और अगले यूनिट नंबर 3 में भी बहुत यूज होगा। तो इस टॉपिक को पहले खूब प्रैक्टिस करिए, हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके सामने होंगे। अपने फीडबैक्स भी हमें दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।